हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई। अब इस क्वेश्चन में हमसे एंगल पूछा है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें या तो हाइट पूछी जा रही थी या फिर उस हॉरिजेंट ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही थी। इस क्वेश्चन में हमसे एंगल पूछा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो सबसे पहले हम अपना एज यूजुअल फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए, हमें गिवन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अभी तक हमें ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाती थी, जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियसली सॉल्व किए हैं, बट इसमें हमें ऑब्जर्वर की हाइट दे दी है 1.5 मीटर। तो लेट से हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये रहा, और जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, राइट। अब टॉल इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई। एक हमारे पास टावर है 30 मीटर का, और जो कि 28.5 मीटर वो ऑब्जर्वर उस टावर से खड़ा हुआ है। मतलब लेट से ये हो गया हमारा 28.5 मीटर डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक हमारे पास टावर है, तो एक टावर को ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से एज्यूम कर लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा टावर है। तो ये टावर हो गया हमारा जिसकी हाइट है 30 मीटर। अब इन्होंने बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वर है तो इसकी आई यहाँ पर होगी, तो यहाँ से इन्होंने बोला है कि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताओ। तो टॉप का एंगल एलिवेशन कैसे निकलेगा, हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एलिवेशन एंगल कैसे निकलता है। जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और एक हमारा जो लाइन ऑफ साइट होगी वो हॉरिजेंटली होगी, तो हॉरिजेंटल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मान लो आप अपने आप को एज्यूम करो तो आप बिल्कुल सीधे देख रहे हो, तो कैसे देखोगे, यहाँ पर देखोगे और एक बार क्या कर रहे हो आप, टावर की हाइट को मतलब टॉप को देख रहे हो। तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो गई तो यहाँ पर जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी यहाँ पर तो अभी एंगल हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम थीटा थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। अभी जब आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी हाइट हमारे पास 30 मीटर की है और ये हमारे पास 1.5, इतनी जो हाइट है, ये वाली हमारी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर की, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इस हाइट की बात करें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 मीटर, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक की पूरी 30 मीटर की है और यहाँ 1.5 मीटर की है, तो इतनी ये वाली हाइट हमें यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा, पहले हम नेमिंग कर देते हैं इसकी। ऑलराइट, सो ए बी सी डी एंड इसका हो गया नाम ई, ठीक है। तो सी और डी के बीच में जो हाइट हो जाएगी वो 30 माइनस 1.5, इतनी हाइट माइनस करनी पड़ेगी तो 28.5 बच जाएगी। तो 28.5 सी और डी के बीच की डिस्टेंस हमारी हो गई 28.5 मीटर, और ये हमें ए और बी की डिस्टेंस भी 28.5 दे रखी है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान हो गया है। देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। ऑब्वियसली जब ये 28.5 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 28.5, दैट मीन्स हमें ट्राइंगल को देखना है ई सी डी को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल जो हमारा है वो कितना है, थीटा एज्यूम कर लिया है, लेट अस एज्यूम, ऑलराइट, लेट अस एज्यूम कि हमने एंगल को थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए। आप पूरा लिख सकते हो, लेट अस एज्यूम द एंगल बी थीटा। अब ए बी की वैल्यू गिवन है, कितनी है 28.5 मीटर, आप चाहो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन, ठीक। सी डी की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमने निकाल ली है 28.5 मीटर, सेम एज ये गिवन है। अब
अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल ई सी डी में देखो, ई सी डी में देखोगे तो क्या लगाएंगे, टैन लगेगा ऑब्वियसली, टैन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टैन, अब थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो थीटा ही रखेंगे एंगल की जगह, और परपेंडिकुलर हमें पता है 28.5 डिवाइडेड बाई, बेस कितना है वो भी 28.5 है, दैट मीन्स ये वन टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टैन थीटा इज इक्वल टू होगा 1, ठीक, 1 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये हो गया 1। अब यहां से हमें एंगल फाइंड करना है थीटा की वैल्यू, दैट मीन्स कि टैन थीटा जो होता है, आई मीन 1 की वैल्यू अगर टैन में देखें तो टैन 45 की होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं टैन 45 हो गया, टैन से टैन एलिमिनेट होगा बट यहां पर आपको काटना नहीं है, तो सिंपली थीटा की वैल्यू यहां से कितनी निकल आई, 45 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड एंगल, यहां पर आप लिख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड एंगल, राइट, यही हमें चाहिए था, ये आंसर आ गया 45 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।